बुका बुका बूम बूम गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये जो हमारा टेक्स्ट यूटिल्स है इसको हम और इन्हांस कर सकते हैं। तो यार npm रन स्टार्ट तो डालना ही चाहिए था मुझे, उसके बाद ही आना चाहिए था अपनी शक्ल लेके, बट अब मैं आ ही गया हूँ तो आप थोड़ा सा वेट कर लो। और इस बार तो डेवलपमेंट सर्वर भी मेहरबान है, क्या बताऊँ इतनी जल्दी खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने पिछले वीडियो में कन्वर्ट टू अपर केस पर क्लिक किया था तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया था। अभी हम क्या करेंगे, कुछ और फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेंगे। ये टेक्स्ट तो हमारे पास है ही, ये एक स्टेट का पार्ट है और जैसे जैसे मैं इसको चेंज करूँगा हमारे ऐप की स्टेट चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो हमारी स्टेट है मैं उसके कुछ वेरिएबल्स को यहाँ पर रेंडर करूँगा। ठीक है, तो मैं काम करूँगा यहाँ पर कि अपने कंपोनेंट के अंदर टेक्स्ट फॉर्म कंपोनेंट है जो हमारा, उसके अंदर एक H1 टैग डालूंगा और वो H1 टैग मैं कहाँ डालूंगा, एक दूसरे कंटेनर में डालूंगा। तो मैं काम करता हूँ कि इसके अंदर एक div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर बना देता हूँ। ठीक है, और मैं एक और कंटेनर बनाऊंगा इसके नीचे और मैं क्या करूँगा कि एक फ्रैगमेंट में इसको रैप कर दूंगा, एक JSX फ्रैगमेंट में, क्योंकि मैं एक ही चीज़ रिटर्न कर सकता हूँ, ये मैंने आपको बताया था, मैं एक से ज़्यादा चीज़ रिटर्न नहीं कर सकता। और मैं एक और कंटेनर बनाऊंगा और मैं यहाँ पर div डॉट कंटेनर जैसे ही लिखूंगा, वैसे आप लोग यहाँ पर देखो कि एक कंटेनर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसमें H1 इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा योर टेक्स्ट समरी और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखूँगा और इसके अंदर मैं लिख दूँगा लेटर से मेरे टेक्स्ट में इतने वर्ड्स हैं तो मैं वो यहाँ पर लिख दूँगा। और आप लोग देखो यहाँ पर इतने वर्ड्स आ गए और मान लो लेटर से कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, मान लो इतने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये रैंडम नंबर है बाय द वे, कैरेक्टर्स और ये मान लो इतने कैरेक्टर्स, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे, इतना वर्ड्स इतना कैरेक्टर्स, ठीक है, एंड इतना कैरेक्टर्स। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैं ये देख लूँगा कि ये इतने वर्ड्स और इतने कैरेक्टर्स हैं मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। उसी के साथ साथ मैं एक MY2 लगा दूंगा और MY2 लगाने से क्या होगा, MY2 बूटस्ट्रैप की क्लास है, वाई में 2 की मार्जिन दे देगी, तो ये थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेगा ऊपर वाले से। ठीक है, अगर आप और चाहते हो कि ये थोड़ी सी और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखे तो MY3 लगा दो, थोड़ी और सोशल डिस्टेंसिंग बनाएगा ये। ठीक है, तो मार्जिन आ जाएगी बेसिकली। अब योर टेक्स्ट समरी यहाँ पर देखो 3432 वर्ड्स एंड इतना कैरेक्टर्स, और मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता जाऊँ वैसे वैसे ये चेंज होता जाए और ये मुझे कितने वर्ड्स और कितने कैरेक्टर्स हैं ये बताता जाए। ठीक है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा मैं यहाँ पर कहूँगा टेक्स्ट डॉट और लेंथ, जो मेरे टेक्स्ट की लेंथ होगी वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो मेरे टेक्स्ट में 26 कैरेक्टर्स हैं, अभी मेरे टेक्स्ट में 3, 4, 5, 6 देखो ये चल रहा है नीचे, इतने कैरेक्टर्स हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, यानी कि टेक्स्ट को स्प्लिट कर दो विद अ स्पेस। टेक्स्ट डॉट स्प्लिट स्पेस क्या देगा, एक एरे देगा जिसमें क्या होगा, जिसमें वर्ड्स होंगे और उसकी लेंथ जो होगी वो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखो अभी एक वर्ड है सिर्फ, अगर मैं दिस लिख दूँ और एंड लिख दूँ तो 2 वर्ड्स आ गए, और नाउ लिख दूँ तो 3 वर्ड्स आ गए, फॉर लिख दूँ तो 4 वर्ड्स आ गए, 16 कैरेक्टर्स। तो ये यहाँ पर मुझे बता रहा है कितने वर्ड्स कितने कैरेक्टर्स हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैं गूगल पे जाता हूँ, वर्ड काउंटर लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर वर्ड काउंटर लिखा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसमें कुछ फीचर्स दे रहे हैं, इतने वर्ड्स इतने कैरेक्टर्स, और ये देखो इनका भी अपडेट हो रहा है, जैसे ही मैं छोड़ रहा हूँ वैसे ही अपडेट हो रहा है, 1 वर्ड 18 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो मैंने कुछ इसी तरह की यूटिलिटी बनाई है, इतने वर्ड्स एंड इतने कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वर्ड काउंटर बड़े आराम से मुझे बता रहा है कि कितने वर्ड्स हैं कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमने कुछ इसी तरह की यूटिलिटी बना दी है। रिएक्ट में इसको कोई बैकएंड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि क्लाइंट साइड में ही देख रहे हैं कि कितने वर्ड्स और कितने कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं इसको अपर केस में भी कन्वर्ट कर दूं तो ये अपर केस में ही कन्वर्टेड रहेगा, ऐसा नहीं है कि लोअर केस में इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स अलग होंगे और अपर केस में नंबर ऑफ वर्ड्स अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक चीज़ और करूँगा, मैं करूँगा क्या कि मैं इंटरनेट पर जाकर देखूँगा कि एक वर्ड को रीड करने का कितना टाइम लगता है, टाइम टू रीड वन वर्ड। ठीक है, कि एक वर्ड को रीड करने का एवरेज कितना टाइम लगता है। तो अगर कोई स्लो रीड कर रहा है, रीडिंग टाइम 1 मिनट लगेगा 125 वर्ड्स के लिए, और एवरेज अगर आप एवरेज की बात करो तो 0.4 मिनट्स लगेंगे। 0.4 मिनट्स कितने सेकंड्स हो गए, मैं एक पार के लिए इसको 0.5 मिनट्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं 0.5 मिनट्स की बात करूँ तो 30 सेकंड्स हो गए। ठीक है, तो 125 वर्ड्स के लिए 30 सेकंड्स लगते हैं, कुछ ऐसा समझ लो आप लोग। ठीक है, तो मैं काम करूँगा कि इसी डेटा को इस्तेमाल करते हुए मैं क्या करूँगा कि एक वर्ड को कितना टाइम कितने सेकंड्स लगते हैं ये मैं निकालूंगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं मिनट्स की बात करूँगा और मैं मिनट्स को राउंड ऑफ कर दूँगा। तो एक काम करते हैं, ये मिनट्स में निकालते हैं, तो अगर यहाँ पर 125 वर्ड्स को 1 मिनट लगता है
तो एक वर्ड को कितना मिनट लगेगा, 1/125, ठीक है। और अगर मैं 1/125 कैलकुलेट करूँ तो 1/125 की वैल्यू ये होती है। तो इसका मतलब कि अगर मैं नंबर ऑफ वर्ड्स को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितने मिनट में कोई पढ़ेगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ अपने यूज़र को कि कितना टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि ये इतने मिनट्स में पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर ऑब्वियसली मैं लिखूँगा 0.008 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ़ वर्ड्स, जो कि क्या होगा, जो कि ये होगा, ठीक है। तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा इसकी लेंथ से, दैट्स अबाउट इट। तो अब यहाँ पर देखो कि 0.032 मिनट्स में पढ़ा जाएगा ये। और अगर मैं इसमें और चीज़ें ऐड करूँ तो ये देखो बता रहा है, अगर मैं इसमें ना पूरा कुछ बड़ा सा ऐड करूँ, मान लो मैंने ये ऐड कर दिया, तो ये बता रहा है कि अराउंड 4 मिनट में आप पढ़ दोगे इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे बेसिकली ये बता रहा है। अब आप में से कई लोग ये भी सोच सकते हो कि यार इसको प्रीव्यू नहीं कर सकते नीचे पढ़ने के लिए, ठीक है, योर टेक्स्ट समरी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक प्रीव्यू भी बनाऊँ मैं इसका, यानी कि मैं एक लेट्स से H3 यूज़ करता हूँ और मैं प्रीव्यू लिखता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं H2 भी यूज़ कर लूँ तो चल जाएगा, और देखूँगा अगर मुझे लगेगा कि H2 थोड़ा छोटा है, सॉरी बड़ा है, और H3 मुझे चाहिए थोड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा, सॉरी H3 छोटा होगा H2 से, H1 सबसे बड़ा, ठीक है। एनीवेज मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दिस डॉट टेक्स्ट डाल दूँगा तो ये प्रीव्यू दे देगा मुझे, ठीक है। और सॉरी दिस डॉट टेक्स्ट नहीं, मेरी आदत पड़ी हुई है क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ करने की, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में होता तो दिस डॉट टेक्स्ट करता, अभी टेक्स्ट करूँगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देखो एंटर टेक्स्ट हियर टू, अपर केस में मैंने कर दिया, यहाँ भी बदल गया। अब मान लो मैं कोडिंग विकीपीडिया लिखता हूँ यहाँ पर, और मैं मान लो ये पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ लेटर से, तो ये देखो यहाँ पर प्रीव्यू आ गया और मुझे ये भी पता चल रहा है कि कितने मिनट में इसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये प्रीव्यू भी कर रहा है टेक्स्ट मेरा। तो कुल मिलाकर मैं अपने टेक्स्ट को एनालाइज कर सकता हूँ, मैं अपने टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं लोअर केस में कन्वर्ट करने का भी बताऊँगा। लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम बटन मुझे बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो, और मैं क्या करूँगा, हैंडल लो क्लिक कर दूँगा, ठीक है, कन्वर्ट टू लोअर केस, ठीक है। और हैंडल लो क्लिक बना दूंगा, एक हैंडल अप क्लिक जिस तरह से बनाया है, और कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर टू अप टू लोअर केस कर देना है बस, ठीक है, टू लोअर केस, जैसे अपर केस था वैसे ही लोअर केस कर देना है। और देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं कन्वर्ट टू लोअर केस करूँगा, जैसे मान लो मैंने कैप्स लॉक दबा के लिखा कुछ, कन्वर्ट टू लोअर केस करूँगा, ये पूरा का पूरा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। कोई ज़्यादा यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो बटन्स ना मेरे एक दूसरे से ऐसे चिपक गए जैसे पता नहीं इन दोनों को एक दूसरे से कितना प्यार हो। तो मैं क्या करूँगा, इनके प्यार को कम करने के लिए क्लास नेम में MX2 लगा दूंगा, तो क्या होगा, ये थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो MX2 मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और MX2 से क्या होगा, कॉपी करना था मुझे, पेस्ट, ऊप्स मैंने क्या कर दिया, MX2 फिर से लिख लेता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसको बेसिकली कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है। MX2 एक क्लास है, बूटस्ट्रैप की क्लास है, जो X में मार्जिन देगी और इन दोनों को थोड़ा थोड़ा दूर बनाएगी, मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे से चिपक के खड़े हो जाएं, ठीक है। तो MX1 देखता हूँ, MX2 काफ़ी हो गई थी, और अगर आपको कस्टम डिस्टेंस चाहिए तो आप अपनी भी लिख सकते हो क्लास, ठीक है, CSS फाइल लगा के, बट मैं उस सब में अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैंने बूटस्ट्रैप ऐड करी, मैं नहीं चाहता इस सब चीज़ों में पढ़ना। अच्छा एक चीज़ और जो कि रिएक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये बूटस्ट्रैप से रिलेटेड है, इसको काला करना चाहते हो ना अगर आप नेविगेशन बार को, क्या करो कि यहाँ पर नैव बार कंपोनेंट में आओ, और जहाँ पर ये नैव बार लाइट लिखा हुआ है ना, इसको डार्क कर दो, इसको भी डार्क कर दो, ठीक है, सेव करो, और यहाँ पर देखो ये डार्क हो गया, ठीक है, इन केस किसी को डार्क कंपोनेंट्स पसंद है तो। और अगर आप इसको ब्लू बनाना चाहते हो तो जो हमारा बूटस्ट्रैप होता है उसमें ग्रीन का कोड सक्सेस होता है, आप इसको प्राइमरी कर दो, प्राइमरी कलर जो होता है बूटस्ट्रैप में वो ब्लू होता है, सक्सेस ग्रीन होता है, डेंजर रेड होता है, ठीक है। तो ये ब्लू हो गया, देखो अगर आप चाहते हो इसमें आउटलाइन ना हो तो ये BTN आउटलाइन की जगह BTN प्राइमरी कर दो, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, मुझे याद है क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप बहुत यूज़ किया है, हो सकता है आपको याद ना हो। इन दैट केस आप क्या करोगे, getbootstrap.com पे जाओगे, डॉक्स पे जाओगे, कंपोनेंट्स पे जाओगे, और देर इज़ अ हाई चांस कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको याद नहीं होगा, विच इज़ टोटली फाइन, आप बटन्स पे जाके यहाँ से ये कॉपी कर सकते हो कि भाई ये वाला अगर आपने कॉपी पेस्ट करा तो ये वाला बटन प्रोड्यूस होगा, ये कॉपी पेस्ट करा तो ये वाला बटन प्रोड्यूस होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोग जो है अपने नेविगेशन बार को, उसी के साथ साथ आप अपने बटन के कलर्स को, इन सब चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि कन्वर्ट टू अपर केस और कन्वर्ट टू लोअर केस आपको समझ में आया, और आपको ये भी दिख रहा होगा कि नीचे हमारे टेक्स्ट समरी जो है वो भी चेंज हो रही है, ठीक है।
आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है इस रिएक्ट कोर्स में। बहुत सारे लोगों ने अभी भी रिएक्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, आप इसको यहाँ क्लिक करके अभी के अभी बुक मार्क करो, यहाँ क्लिक करके बुक मार्क और यहाँ क्लिक करके सेव करो अभी के अभी। और अभी मैं इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊँगा। आई होप कि प्रॉप्स और स्टेट्स में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ये जो वीडियो था ये थोड़ा जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक था, और आई होप कि आपको ये ऐप जो है स्टेट में बहुत अच्छी लग रही है। और यार मज़ा आ रहा है यार, देखो कितनी मज़ेदार ऐप हम लोग ने बना दी, देख रहे हो आप लोग। तो मैं तो काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ इस ऐप को बनाने के बाद। अगर आप बोल्ड वगैरह करना चाहते हो इस चीज़ को, नंबर ऑफ़ वर्ड्स को, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को, तो आप बी टैग यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि आप इसमें कर सकते हो। अब आई होप कि आपको मज़ा आया। मैं काम करूँगा यहाँ पर H2 में कन्वर्ट कर दूँगा इस चीज़ को भी। मुझे ना थोड़ा सा ये बड़ा बड़ा सा लग रहा है जो मैंने ये H1 में लिखा है ना, योर टेक्स्ट समरी H2। अब आप ये देख रहे होगे कि मैं जैसे ये वाला टैग यूज़ कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ये टैग भी चेंज हो जा रहा है। कौन सी एक्सटेंशन का कमाल है ये, कौन सी एक्सटेंशन का कमाल है, ऑटो रीनेम टैग का कमाल है। तो ये बहुत बढ़िया एक्सटेंशन है, मज़ा आता है यार, मज़ा आता है। और रिएक्ट में तो और भी मैं ज़्यादा HTML को रीफैक्टर नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली जितना काम हो जाए उतना अच्छा है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे मैं रिलोड कर रहा हूँ एंटर टेक्स्ट हेयर लिख कर आ रहा है, ये थोड़ा सा अनोइंग हो सकता है लोगों के लिए। मैं नहीं चाहता कि लोगों को एंटर टेक्स्ट हेयर को हटाकर उनका टेक्स्ट डालना पड़े, तो ये जस्ट आप लोगों की लर्निंग के लिए था। तो मैं क्या करूँगा, ये जो एंटर टेक्स्ट हेयर है इसको हटा दूंगा और डिफॉल्ट वैल्यू को ब्लैंक ही रहने दूंगा, एक ब्लैंक स्ट्रिंग ही रहेगी। तो इसमें भी वन वर्ड लिख कर आ रहा है, क्योंकि बेसिकली जब मैं डॉट स्प्लिट कर रहा हूँ इसको ब्लैंक से, तब क्या हो रहा है उस एरे की लेंथ जो है वो वन हो जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूँ ए इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, और मैं लिखूँ ए डॉट स्प्लिट, और मैं ए को स्प्लिट करूँ बाय स्पेस, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो इसके अंदर एक स्पेस आ गई है, ठीक है। तो ये एक डिफॉल्ट बिहेवियर है, आप जावास्क्रिप्ट लॉजिक लिख के इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, क्योंकि मैं एक वर्ड भी लिखूंगा अगर तो भी इसके अंदर यही वर्ड आएगा। और मैं जैसे ही स्पेस दबाऊंगा, देखो टू वर्ड हो गया, तो एक स्पेस को भी एक एज अ वर्ड काउंट कर रहा है, यानी कि जो एम्प्टी स्ट्रिंग है स्पेस के बाद उसको भी एक वर्ड काउंट कर रहा है, विच इज़ फाइन यार। ज़्यादा वर्ड्स अगर आपके पास हैं तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगेन आप एक चीज़ कर सकते हो कि अगर आपकी स्ट्रिंग एंड हो रही है एक स्पेस में, तो आप एक वर्ड कम कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपकी स्ट्रिंग अगर ब्लैंक है तब आप एक वर्ड कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये लॉजिक आप लोग चेंज कर सकते हो, बट अभी के लिए अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स लिखूं तो यहाँ पर 5 वर्ड्स दिखा रहा है, देखो 5 वर्ड्स है, 5 वर्ड्स दिखा रहा है, 19 कैरेक्टर्स दिखा रहा है। जितने कैरेक्टर्स ऐड करूंगा ये बढ़ता जाएगा और प्रीव्यू भी चेंज हो रहा है। तो आई होप कि आप लोग को रिएक्ट का कमाल अच्छा लगा। प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें और आने वाले वीडियोस के लिए इंतजार करते रहें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।